My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, I'm so happy to talk to you this day. आज आप सब से बातें करते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है. You may say you don't have blessing in your family life. हो सकता है आप कहते हो कि आपके परिवार में आशीष नहीं है. Today the Lord loves you. आज परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. He wants to bless everyone of you. वो आप में से हर एक को आशीष देना चाहता है. From his hand we can receive all the blessings. और उसके हाथों हम हर एक आशीषों को पा सकते हैं. If you read Psalm 29 verse 11, अगर आप भजन 29 वचन 11 को पढ़ें, the Lord says he will bless his people. तो प्रभु कहता है कि वो अपने लोगों को आशीष देंगे. That is very very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. We want blessings from the Lord. हमें ईश्वर से आशीष चाहिए. But the Lord asks you one question. लेकिन प्रभु आपसे एक प्रश्न करता है. My son, मेरे बेटे, my daughter, मेरी बेटी, will you love me? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? If you keep me in your heart, अगर तुम मुझे अपने हृदय में रखते हो, if you invite me to your home, अगर तुम मुझे अपने परिवार में आमंत्रित करते हो, I'll come, तो मैं आऊंगा, and then I will bless you, और तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा. Will you do that? क्या आप ऐसा करेंगे? Now the Lord is ready to come into your heart. इस समय प्रभु तैयार है आपके हृदय में आने के लिए. If you read Revelation chapter 3 verse 20, अगर आप प्रकाशित वाक्य 3:20 को पढ़ें, the Lord says, तो प्रभु कहता है, just open your heart, बस अपना हृदय खोलो. I am ready here to enter into your heart. मैं तैयार हूँ कि मैं तुम्हारे हृदय के अंदर प्रवेश करूँ. If he says something, he'll surely fulfill it. और निश्चय ही प्रभु अगर कुछ कहता है तो वो उसे अवश्य पूरा करेगा. He is not like a man. वो मनुष्यों की तरह नहीं है. Saying one thing and changing tomorrow. कि वो एक चीज कहे और अगले दिन बदल जाए. He is God Almighty. वो तो सामर्थी परमेश्वर है. If he says one thing, जब वो अगर कोई चीज कहता है, he'll surely do that. तो निश्चय वो उसे पूरा करेगा. Now God is going to enter into your heart. परमेश्वर इसी समय आपके हृदय में आने वाला है. We'll see more about it in the message. हम संदेश के दरमियान इसको और ज्यादा देखेंगे. Now you can hear a beautiful song. और लेकिन अब आप एक खूबसूरत गाने का आनंद ले सकते हैं. Oh,
परमेश्वर की महान सेविका बहन डॉक्टर स्टेला दिनकरन पहली बार हिंदी में आप सबों की आशीषों के लिए मधुर और आत्मिक गीतों का संकलन पेश कर रही है। यीशु के सीने पर मैं लेटूंगी, सर्वलोकाधिपति नमस्कारम, यीशु क्रिस्ट का नाम है जो जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश हो कि सब होता शायद। यीशु के सीने पर, इसके लिए दान राशि है ₹70 जो पोस्टल चार्ज सहित है। आप अपने दान राशियों को यीशु बुलाता है के नाम पर इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन, जेसी हाउस, 72 राजा जी सलाई, चेन्नई 600001। हमारे जीवनों में हर पल हर कदम किसी न किसी तरह से कोई न कोई प्रश्न उठ खड़े होते हैं और इन प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। कभी ये प्रश्न व्यक्तिगत होते हैं और कभी ये हमारे परिवारों को लेकर उठ खड़े होते हैं। इस कार्यक्रम की इस नई श्रृंखला में बहन डॉक्टर स्टेला दिनकरन आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके जीवनों में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देंगी। आइए सुनते हैं, प्रश्न इस तरह से है। हम कैसे एकता प्राप्त करते हुए अपने पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले सकते हैं, कृपया बताइए। दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। यह तो एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दीस डेज सो मेनी फैमिलीज दे डोंट एंजॉय गॉड्स ब्लेसिंग्स। आजकल बहुत से परिवार हैं जो ईश्वर की आशीषों का आनंद नहीं लेने पाते। As I told you earlier, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, unless you have Jesus in your home, जब तक आपके घर में प्रभु यीशु मसीह न हो, you'll never enjoy that blessing. तो आप कभी आशीषों का अनुभव नहीं करेंगे। Christ wants to take everything into his hands. क्रिस्ट चाहता है कि हर एक चीजों को वो अपने हाथ में रखे। Just give me all the problems in my hand. ओ, बस तुम अपनी सारी समस्याओं को मेरे हाथ में रख दो। I want to live with you. मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। And I want to remove all the problems. और हर एक समस्या को निराकरण भी करना चाहता हूँ। When you can enjoy such blessings. और तब तुम ऐसी आशीषों का आनंद ले सकोगे। When your home is a Christ-centered home. जब आपका परिवार ख्रिस्ट केंद्रित परिवार। My brother and my sister. मेरे भाइयों और मेरी बहनों। Examine. About your life. आप अपने जीवन को जांचें। How much importance you give to the Lord? आप प्रभु को कितना ज्यादा महत्व देते हैं? Matthew 6:33 says. मत्ती 6:33 कहता है। We must give him the first place. कि हमें उस अपने जीवन में पहला स्थान देना है। Then all the blessings will be in your home. तब आपके परिवार में सारी आशीष आ जाएंगी। This is a shortcut method. यह तो एक छोटा रास्ता है। What a glorious Lord we have. हमारे पास कितना महिमावान परमेश्वर है। Let me explain to you from my own experience. चलिए मैं आपको उसको समझाने के लिए अपने अनुभव से बताती हूँ। When I was 16 years old, जब मैं केवल 16 वर्ष की थी, the Lord came closer to me. तो प्रभु मेरे पास आ गए। And he filled me with his love. और उन्होंने मुझे अपने प्रेम से भर दिया। From that time onwards, I started to love him. और उस समय से मैं उससे प्रेम करने लगी। He was my only friend. वही मेरा एकमात्र मित्र था। He was my everything. वो मेरे लिए सब कुछ था। And my life became a blessing. और मेरा जीवन एक आशीष बन गया। And when I had to get married, और जब मेरा विवाह होना था, God blessed me with a beautiful person. तो प्रभु ने मुझे एक बहुत ही अच्छे जवान से आशीषित किया। Beautiful means godly person. और ऐसा रूपवान का अर्थ है कि जो कि धर्मी जन था। From him, I learned many many good lessons. और अपने उस जीवन साथी से मैंने अनेक बातों को सीखा। When we started our family life, जब हमने अपना दाम्पत्य जीवन शुरू किया, after marriage, हमारे विवाह के बाद, the first thing he said, जो पहली चीज उन्होंने कही थी, kneel down before the Lord. वो ये थी कि परमेश्वर के सामने घुटने टेको। We will give our family life in the hands of God. हम अपने दाम्पत्य जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। And then only our home will be a blessed one. और तभी हमारा परिवार जो है एक आशीषित परिवार होगा। A Christ-centered one. एक ख्रिस्ट केंद्रित परिवार होगा। Because I also loved the Lord.
असली क्योंकि मैं भी ईश्वर से प्रेम करती थी। It was very easy for me. ये मेरे लिए बड़ा आसान था। I knelt down immediately. तत्काल मैंने घुटने टेके। And we both cried out to the Lord. और हम दोनों ने परमेश्वर को पुकारा। Lord, from this moment. ओ प्रभु जी, इस घड़ी से। Take control of our family life. हमारे पारिवारिक जीवन के आप अपने नियंत्रण बनाएं। You should be the head of the house. आप हमारे घर के सिर बनाएं। Silent listener to every conversation. हमारी हर एक बातचीत के गुप्त सुनने वाले बनाएं। And the Lord was with us from that day onwards. और उस दिन से प्रभु हमारे साथ थे। 48 years we lived together. हम एक साथ 40 वर्षों तक जीवन निभाते रहे। Many many losses we had to go through. हमें जीवन में कई एक हानियों का सामना करना पड़ा। Problems we had to pass through. बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। In the midst of every problem. लेकिन हर एक समस्या के बीच में। We could feel the presence of God in a mighty way. हम परमेश्वर की उपस्थिति को महान रूप से अनुभव कर सकते थे। Because of that. और उसके कारण से। God helped us in everything. परमेश्वर ने हर एक बातों में हमारी सहायता की। When we lost our daughter, जब हमने अपने बेटी को खोया, 17 year old daughter, वो तो बस एक 17 साल की युवा बेटी थी। People were expecting, लोग बड़े ही अपेक्षा में थे, that we will not do God's work after that, कि उसके बाद हम परमेश्वर की सेवा नहीं करेंगे। But the Lord was with us, लेकिन प्रभु हमारे साथ था, encouraging us, वो हमें ढाढ़स दे रहा था, saying go on, go on, go on, ये कह रहा था आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ, even at this time, ऐसी घड़ी में भी, even at this time, इस समय भी, even though you have lost your daughter, जो भी तुमने अपनी बेटी को खो दिया है, I am with you, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Have courage in your heart. और अपने हृदय में तुम हिम्मत रखो। And then, with the help of the Lord, तब प्रभु की सहायता से, we started doing His work. हमने उसकी सेवा फिर से शुरू की। Many many people were blessed. कई लोग आशीषित हुए। Yes, my brother, my sister. हाँ, मेरे भाई और बहनों। When you have this Jesus with you, जब आपके अंदर में ये इशू होता है, your home will be a blessed one. तो आपका घर जो है एक आशीषित घर होता है। We had to go through financial crisis also. हमें कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। Some people are making fun of us because of that. और उसके कारण से लोग हमारा कई लोग मजाक उड़ा रहे थे। All the time she is stitching her clothes. हर बार ये तो अपने कपड़े सीती रहती है। They have no money to buy new clothes. उनके पास नए कपड़े के लिए पैसे नहीं है। They are making fun of me. वे मेरा मजाक उड़ाते थे। But my eyes was always upon Jesus. लेकिन मेरी आंखें हमेशा यीशु की ओर लगी थी। And the Lord helped us. और प्रभु ने हमारी सहायता की। He gave promotions after promotions to my husband. उन्होंने मेरे पति को एक के बाद एक पदोन्नतियां दी। He helped us to buy a land and build a building. उसने हमारी सहायता की कि हम एक जमीन को खरीद करके घर का निर्माण कर सके। He blessed us with a car. उसने हमें कार से आशीष दी। And with so many other blessings. और भी कई एक आशीष दी। And then the people were criticizing us. के बाद लोग हमारी टिप्पणियां कर रहे थे। Then they said, तब उन्होंने कहा, because they are faithful to the Lord. क्योंकि ये ईश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। The Lord has blessed her. प्रभु ने उन्हें आशीष दी है। Yes, my friends. हाँ, मेरे मित्र। Be of good courage. आप ढाढ़स बांधें। Blessing comes only through the Lord. आशीषें तो केवल परमेश्वर से ही आती हैं। Not because we are earning and earning and earning. इसलिए नहीं क्योंकि आप जो है कमाते जा रहे हैं, कमाते जा रहे हैं। Working day time, night time. Hard work. आप रात और दिन बड़ी कठिन मेहनत करते हैं। Not because of that. इसके कारण से नहीं। God's blessing will come. Only when you seek Him with all your heart. लेकिन परमेश्वर की आशीष तब आएंगी जब आप अपने पूरे हृदय से उसको ढूंढेंगे। And because of His presence. और उसकी उपस्थिति के कारण। You will have oneness in your home. आपके परिवार में एकता होगी। Ask the Lord to fill you with His Holy Spirit. आप प्रभु से मांगें कि वह आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरे। When the Holy Spirit fills you, जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा, you'll be a different person. आप एक बदले व्यक्ति होंगे। He Himself will lead you and guide you. वो स्वयं आपकी अगुवाई करेगा। There will not be any misunderstanding. कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी। You will be able to love each other. आप एक दूसरे से प्रेम कर सकेंगे। Your home will be a model to others. और आपका परिवार औरों के लिए एक आदर्श बनेगा। We are experiencing all this in our lives. हम अपने जीवन में इन सारी बातों का अनुभव कर चुके हैं। Even our grandchildren who are watching our prayer life. यहाँ तक कि हमारे नाती नतिन भी जो हमारे प्रार्थना के जीवन को देखते हैं। They said we too want the Holy Spirit. उन्होंने भी कहा हमें भी पवित्र आत्मा चाहिए। When the first two of my grandchildren saw the blessing when they were 11 and 13. जब मेरे पहले जो दो नाती और नतिन हैं जब वो 11 और 13 वर्ष के थे। When they asked the Lord to fill them with the Holy Spirit. जब उन्हें परमेश्वर से मांगा कि वो उन्हें पवित्र आत्मा से भरे।
God really answered the prayer. तो प्रभु ने सचमुच में उनकी प्रार्थना का जवाब दिया। In the same way, my brothers and sisters. और उसी तरह से मेरे भाई और बहनों। You also cry unto the Lord right now. अभी आप प्रभु को पुकारें। Today is a great day. आज का दिन महान दिन है। God in His great mercy, not only He is going to save you. प्रभु आपको अपनी महान दया में न केवल उद्धार देने वाला है and fill you with his salvation, और आपको इस उद्धार का अनुभव देने वाला है but also he is going to bless you with the Holy Spirit anointing. लेकिन वो आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भी आशीषित करेगा. You are going to be a new person. आप एक नए व्यक्ति बनेंगे. You will be enjoying oneness in your family life. और अपने पारिवारिक जीवन में आप एकता को महसूस and करेंगे. God's blessing in abundance. और ईश्वर की आशीषों को बहुतायत से आनंद ले पाएंगे। तो आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें। My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, the Lord's presence is filling you. परमेश्वर की उपस्थिति आपको भर रही है। Let us all unitedly cry unto the Lord. आइए हम सब एक साथ प्रभु को पुकारें। Our heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिताजी, thank you, Lord, for the wonderful presence. धन्यवाद प्रभु आपकी अद्भुत उपस्थिति। Fill every home with your salvation, Master. ओ स्वामी हरेक परिवार को अपने उद्धार से भर दे। Cleanse every person who is crying unto thee. हरेक व्यक्ति जो आपको पुकार रहा है आप उसे शुद्ध करें। Whatever addictions or bad habits they have, Master. स्वामी चाहे उनके जीवन में कैसा भी व्यसन चाहे बुरी आदत क्यों न हो। Cleanse them with your blood, Lord. प्रभु आप उन्हें अपने लहू से शुद्ध करें। Let them all enjoy your salvation, Father. ओ पिता वे आपके उस उद्धार को हरेक आनंद लेने पाएं। Not only that, Father. इतना ही नहीं प्रभु जी। Bless them with the Holy Spirit. आप उन्हें पवित्र आत्मा से आशीष दें। Lord, you blessed your disciples with the blessing, Master. ओ प्रभु जी आपने अपने चेलों को आशीषों से आशीषित किया। You blessed them with the joy of the Holy Spirit. उन्हें आपने पवित्र आत्मा के आनंद से आशीषित किया। Right now. इसी समय। Right now. इसी समय। Every home should receive this mighty anointing now. हर एक परिवार इस महान अभिषेक को प्राप्त करने पाए। Supply this need, Master. ओ इस घटी को आप पूरा करें प्रभु। I feel your wonderful presence in a mighty way. मैं आपकी अद्भुत उपस्थिति को बहुत सामर्थ्य के साथ महसूस कर रही हूं। Send this blessing to each home. इस आशीष को हर एक परिवार में भेजें। In the life of each person who are watching this program. हर एक व्यक्ति के जीवन में जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। Supply this need right now. इस घटी को आप इसी समय पूरा करें। Lord, ask and it shall be given. That's what you have promised. प्रभु जी आपने प्रतिज्ञा की है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Right now, Father. इसी समय पिताजी। Send the Holy Spirit upon all the people who are asking. हर एक जो मांग रहा है प्रभु आप उनके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा को भेजें। Let them receive it right now. वे इसी घड़ी उसे पाने पाएं। Let them receive it right now. इसी घड़ी पाने पाएं। Let it come upon each and every person who is crying. हर एक पुकारने वाले के ऊपर में वो उतर आए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Take away all the misunderstandings in the family life. धन्यवाद प्रभु जी हर एक गलतफहमियां पारिवारिक जीवन से जा रही हैं। Let your presence bring peace and joy in their life. उन्हें दे प्रभु जी कि उनके जीवन में आपकी उपस्थिति आनंद और शांति ले आए। Holy Spirit, take control of your people. पवित्र आत्मा अपने लोगों को आप नियंत्रण में रखें। Deliver them from all unwanted things. उन्हें हर एक अनचाही चीजों से छुटकारा दे। All evil possession. हर एक दुष्ट आत्मा का ग्रसन। Let them come out of all such things. वो हर एक ऐसी चीजों से बाहर निकल जाए। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु। Let the whole family be blessed abundantly. पूरा परिवार बहुतायत से आशीष पाने पाए। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु। Let it come like a rain. उन्हें दे कि वे बारिश के रूप में ऊपर आ जाए। The home under the precious blood, Lord. ओ पर उनके परिवार को अपने लहू के बाड़े में रखें। Let them feel the presence of God in a mighty way. और वे परमेश्वर की उपस्थिति को सामर्थ्य से महसूस करें। Heal them from all the diseases. उन्हें हर एक बीमारी से चंगा करें। Those who are in the hospital. जो कि अस्पताल में हैं। Let them be all right, Lord. उन्हें दे वे चंगे हो जाए प्रभु। Let them come home. वे घर आए। Those who are in deathbed. जो कि मृत्युशय्या पर हैं। By the power of God Almighty. ओ परमेश्वर पिता के सामर्थ्य। Right now. इसी समय let them be delivered. उन्हें दे वे से छुटकारा पाएं। Let them have your life. वे आपके जीवन को पाएं। Let them see the light of life. वो जीवन की ज्योति को देखने पाएं। Bless them, Lord. उन्हें आशीष दे प्रभु। Bless them, Lord. आशीष दे प्रभु। Bless them, Lord. आशीष दे प्रभु। In Jesus mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. 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 Amen.
My precious brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, Today is a great day. आज का दिन महान दिन God है. has touched your life. प्रभु ने आपके जीवन को छुआ है. Many of you have received Jesus as your savior. आप में से अनेकों ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है. He has forgotten all your addictions, all old bad habits. और आपने और उसने आपके हर एक पुराने नशे की आदतों को और बुरे आदतों को भुला दिया है. Now your home is a Christ-filled home. अब आपका परिवार एक मसीह से भरपूर परिवार है. Do you realize that? क्या आप इसको महसूस कर रहे हैं? And not only that, और इतना ही नहीं, He has filled with His Holy Spirit. उसने आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरा है. The third person in Trinity. हमारे त्रिकत्व का तीसरा व्यक्ति. Oh, it's a glorious experience. Oh, ये तो एक महिमावान अनुभव है. Be blessed abundantly. आप बहुतायत से आशीष पाएं. Go on praising God. प्रभु की स्तुति करते चलें. Go on praising God. स्तुति करते चलें. You'll be blessed more and more with the Holy Spirit. तब आप और भी ज्यादा पवित्र आत्मा से आशीषित होंगे. God bless you. प्रभु आप